हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम गेम प्ले करने वाले हैं इंडियन ट्रेन क्रॉसिंग 3D का। तो फिलहाल इसमें क्या हुआ है ना कि आज हमें रेलवे मास्टर की ड्यूटी दी गई है, लेकिन यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आज बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हुआ, जिसमें एक उत्कृष्ट कोचेस के साथ एक ट्रेन थी जिसका यहाँ पे डीरेलमेंट हो गया, जिसके चलते यहाँ पे पूरा एक प्लेटफॉर्म आप सामने देख सकते हैं। इस लाइन पे एक ट्रेन खड़ी हुई है जो कि उत्कृष्ट कोचेस के साथ आई थी, लेकिन जिसका डीरेलमेंट हुआ और वो यहाँ पे डीरेल हो गई। तो यहाँ पे हमें कुछ करना होगा। यहाँ पे ये देखिए, मैंने ट्रैक चेंज कर दिया। अप एंड डाउन दोनों तरफ से आने वाली गाड़ियों को हमें एक ही प्लेटफॉर्म से निकालना होगा, बट उसके लिए हमें बहुत ही सतर्कता, यहाँ पे सावधानी बरतनी होगी। फिलहाल हमने एक ट्रैक तो चेंज कर ही दिया, मैं आपको एक बार ट्रेन और दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये पूरी की पूरी ट्रेन आई थी, एक्चुअल में ये दूसरे ट्रैक से आ रही थी, लेकिन इसका डीरेलमेंट हुआ और वो उसके कुछ कोचेस दूसरे वाले ट्रैक पे जाके रखे हुए हैं, कुछ ये इस तरह से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये डीरेलमेंट बहुत ही भयंकर था, बट जब तक कि रेलवे वाले इसे यहाँ से हटा नहीं देते, हमें पूरा तरीके से इसे मैनेज करके चलना होगा। बट ये क्या, ये ट्रेन आगे बढ़ गई क्या? आई थिंक हाँ गाइज, ये ट्रेन आगे जा रही है, जबकि ये डीरेलमेंट, अगर ये आगे जाती रही, अगर इसने पूरे ट्रैक को ब्लॉक कर दिया, तो ये तो मतलब बहुत ही बुरी तरीके से ब्लॉक हो जाएगा, पूरा का पूरा ब्लॉक हो जाएगा। ओ माय गॉड गाइस, ओ माय गॉड, ये तो एक्चुअल में कुछ ज़्यादा ही आगे जा रही है। आई थिंक इसने ब्लॉक कर ही दिया होगा। एक ट्रेन यहाँ पे आ चुकी है देखिए, बट यार ये तो बहुत ही आगे चली गई। सिट यार, सिट 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 सिट, अब तो पूरा खेल ही खत्म हो गया। एक्चुअल में हमारा प्लान हमारा कुछ इस तरह से था, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके पीछे जो भी ट्रेन आती, हम दूसरे वाले ट्रैक से लाते और इस वाले ट्रैक पे से मिला देते, बट ओ नहीं, तू और पलट जा, बस तुम्हारी कमी थी। बट बिना गाड़ी के तो वो होगा नहीं, लेकिन यार इसने तो यहाँ पे ब्लॉक ही करके रख दिया। मैं क्या सोच रहा था, इसके पीछे जो ट्रेन आती, ये जो डीरेल हो गई, इसके पीछे कुछ ट्रेन आती तो वहाँ से ट्रैक चेंज करके मैं फर्स्ट वाले प्लेटफॉर्म पर लाता, और फर्स्ट वाले प्लेटफॉर्म से यहाँ से ट्रैक चेंज करता, और ये इस वाले ट्रैक पे जाती और इस वाले वापस से अपने खुद के ट्रैक पे आ जाती, जो भी ट्रेन मैं यहाँ से निकालता। बट फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने पूरा का पूरा ये ब्लॉक कर दिया है। फिर भी हम ट्राई करेंगे, और हमारी गाड़ी तो यार पलट ही चुकी है, आ गया तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। तो फिलहाल के लिए यहाँ से भी हमें ट्रैक को चेंज करना होगा, या फिर एक गाइस एक काम करते हैं, ट्रैक चेंज नहीं करते, ट्रेन को सीधा जाने देते हैं वहाँ से। हमें जितना जल्दी हो सके जाना पड़ेगा, क्योंकि आई थिंक मेरे हिसाब से तो पीछे से कोई ट्रेन आने वाली है बहुत ही सुपर फास्ट तरीके से, क्योंकि इसे टाइम हो गया डीरेल हुए, तो और आगे चलते हैं, अभी ट्रैक सही है। मेरी कार हमेशा ऐसे ही टाइम पे धोखा देती है जब मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है उसकी, बट क्या कर सकते हैं। और ये रेलवे स्टेशन था, तो यार आप गाइस ये देखिए, यहाँ पे कोई ट्रेन आ चुकी है गाइस, ये देखो महामाना एक्सप्रेस इसी वाले ट्रैक पे आ गई। ओ सेट सेट सेट, ओ अबे चलना, मैं कहाँ फंस गया यार, कोई तो निकालो यार, ये कहाँ फंस गया मैं यार 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 यार, ओ निकल गया। तो उससे यार अब ये, ओ इसका तो सिग्नल भी ग्रीन है, जल्दी से करके से आगे जाके रेड कर देते हैं, ये येलो सिग्नल है, यहीं से जंप लेते हैं और इसे करते हैं कुछ भी करके रेड। ओके, तो फाइनली हमने रेड कर दिया है सिग्नल को, आई थिंक अब इसे रुक जाना चाहिए यहाँ पे। महामाना एक्सप्रेस, महामाना एक्सप्रेस कहाँ गई यार। सो यार क्या ही बताएं, अब तो इसका क्या ही कहना है। ये इसका लोकोमोटिव देखिए, ये तो पूरी तरीके से यहाँ पे पलट चुका है 90 डिग्री के साथ, यहाँ पे ये पूरी तरीके से पलट चुका है। एक बार आपको ऊपर ले जाके भी इसका व्यू दिखाता हूँ, बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट है। और बट हम इसे ऑफकोर्स हम इसे सही तरीके से मैनेज कर लेते, बाकी जितनी भी ट्रेनें आती सबको प्लेटफॉर्म नंबर 1 से ही निकालते, अप और डाउन दोनों गाड़ियों को। बट यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आगे जाके पूरा एक रूट तो पूरा ब्लॉक करके रखा है, तो हम उस वाले रूट पर ले जा नहीं सकते। इस तरफ खाली, ओ आई थिंक हट गई, अरे यार एक ही ट्रेन हटी है, महामाना एक्सप्रेस, बट अभी भी ये डली हुई है। मेन चीज़ तो यही है, ये ट्रेन अगर हट जाए तो हमारा काम बन जाएगा, लेकिन रेलवे वालों ने एक ट्रेन को तो हटा दिया, महामाना एक्सप्रेस को, बट अभी तक ये से नहीं हटाया। गाइज यार क्या बताऊँ अब मैं, चलिए एक बार नीचे चलते हैं और देखते हैं इसके पीछे कोई जुगाड़ हो सके अगर। फिलहाल तो जो ट्रेन आएगी वो यहाँ से आएगी, और उसके भी हाई चांसेस हैं। ट्रेन ओ आई गई आई थिंक सामने से, सामने से ट्रेन आ चुकी है। अब ये एक्चुअल में हमने ट्रैक चेंज कर दिया था, तो ये भी अब आई थिंक डीरेल होगी। जल्दी से हम चलते हैं और चेक करते हैं क्या हम उसे चेंज कर पाएंगे। वैसे मुझे जहाँ तक याद है मैंने ट्रैक को चेंज नहीं किया था, तो आई थिंक डीरेल नहीं होनी चाहिए, बट देखते हैं गाइज ये किस रूट पर आती है। ओके प्लीज़ डीरेल मत होना, अगर ये भी डीरेल होती है तो मेरी ड्यूटी तो गई, ऑफ कोर्स मेरी ड्यूटी जाने वाली है। फिलहाल तो ये आई थिंक इसका स्टॉपेज है यहाँ पे, इसलिए इसके ने स्पीड को स्लो कर लिया, और ये लूप लाइन पे आ चुकी है।
अफको हाँ, हम भी एक्चुअल में ऐसे ही करते हैं, हम इसे सामने से आने वाली ट्रेनों को लूप लाइन पे लाते और मेन लाइन से सीधी प्लेटफॉर्म नंबर 2 वाली ट्रेनों को यहाँ से मेन लाइन से निकाल देते। बट यार मेन लाइन से निकाल के भी कोई फ़ायदा है नहीं, बट अब ऐसे तो धीरे धीरे जा पाएंगे, इससे चिपक के चलेंगे तो हम फास्ट जाएंगे। ये देखो गाइस कितनी जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगे हम। तो ये कुछ ट्रिक है, इस पर एक काम करते हैं, इसी के अंदर फंस जाते हैं हम, तो थोड़ा आगे तो पहुँच ही जाएंगे। और आगे जाके देखते हैं क्या सीन है, गाड़ी तो हमारे पास है नहीं अब। लेकिन गाइस ऐसा मैं करूँगा ज़रूर, एक अगर एक्सीडेंट होता है किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे तो मैं पूरी ट्रेनों को एक ही लाइन से निकालूंगा। वो वाली गाड़ी अभी भी देखिए, उत्कृष्ट कोच वाली ट्रेन अभी भी वहाँ पे डली हुई है और ये यहाँ पे रुक चुकी है हमारी। आगे चलते हैं और एक काम करते हैं, यहाँ से अब एक और ट्रेन आएगी राइट वाले ट्रैक पे, तो आगे चलते हैं, उसे ट्रैक चेंज करके हम लेके आएंगे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। गाइस बट क्या कर सकते हैं, अब 1 पे भी अगर हम ले भी आएंगे तो उसे ज़्यादा देर खड़ा करेंगे तो पीछे से ट्रेन ठोक देगी उसे, और अगर हम वहाँ से प्लेटफॉर्म नंबर 1 से निकाल देंगे उसे तो आगे जाके वो उत्कृष्ट कोचेस वाली ट्रेन खड़ी है उसमें ठुक जाएगी। ठुकना ही ठुकना है, ओ सेट ट्रेन आ चुकी है, हमें कैसे तो भी करके जल्दी से पहुँचना होगा। क्या हम पहुँच पाएंगे, मुझे नहीं लगता पहुँच पाएंगे। रुक जा प्लीज़ 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 प्लीज़, ब्रेक लगा, ब्रेक अप्लाई कर प्लीज़ प्लीज़। नाई 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 सेट मैन, यार उसने ट्रैक ही चेंज कर दिया जब तक, आई मीन ट्रैक पे से क्रॉस कर गई वो। अब आगे जाके ये भी ठुकना है पक्के में, लूप लाइन पे आ चुकी है हमारी ट्रेन, क्या गजब तरीके से ये मुड़ गई। अच्छा अगर आपको लूप लाइन और मेन लाइन के बारे में ना पता हो तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए, मैं आपको एक स्पेशल वीडियो ला के दूंगा जिसमें आपको मैं मेन लाइन और लूप लाइन का मतलब बताऊंगा, और सिग्नलिंग का भी उसमें कुछ सीन रहता है तो वो भी आपको बताऊंगा मैं। तो ये देखिए ये अभी बस आगे जाके ठुकने वाली है, ये ठुकी एकदम उचक जाएगी, ये देखो 1 2 एंड 3, ये देखो गाइस इसने भी, ये देखिए इसने भी यहाँ पे एक लूप लाइन और मेन लाइन का जो चेंजिंग ट्रैक था इसे भी पूरा कवर करके रख दिया, ब्लॉक कर दिया। तो बाकी अब ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हिट द बेल आइकन फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।